परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की जोड़ी इन दिनों टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है। सगाई से पहले ही दोनों को लेकर सोशल मीडिया में खबरें आने लगी थी। ऐसे में फैंस को अब दोनों की शादी का बेसब्री से इंतजार है। वहीं इन दिनों राघव चड्ढा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है और इस वीडियो में राघव चड्ढा अपनी नाक की सर्जरी के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो को राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की सगाई में शामिल फोटोग्राफर ने शेयर किया था, जिसे बाद में डिलीट भी कर दिया गया। आपको बता दें, दरअसल जिस फोटोग्राफर ने परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की सगाई का फोटो शूट किया था, उसने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसे बाद में हटा लिया गया। इस वीडियो में राघव चड्ढा परिणीति चोपड़ा के किसी परिवार के सदस्य से बात कर रहे हैं और स्माइल करते हुए उन्हें बता रहे हैं कि उनकी नाक उनकी माँ की जैसी थी, लेकिन उन्हें उनके पापा की नाक पसंद थी। वो चाहते थे कि उनकी नाक उनके पापा के जैसी होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने अपनी नोज की सर्जरी करवा ली। आपको बता दें, जो वीडियो शेयर किया गया था उसमें महिला पूछ रही है कि लड़के ने चेहरे पर कुछ करवाया है। महिला के सवाल का जवाब देते हुए राघव चड्ढा बोलते हैं, हाँ मैंने नोज सर्जरी करवाई है, मेरी नाक मेरी माँ को पड़ गई थी जिसे मैंने सर्जरी करवाने के बाद पापा जैसी करवाई है। हालांकि राघव चड्ढा जब अपनी नोज सर्जरी के बारे में बात कर रहे थे, परिणीति चोपड़ा उन्हें अलर्ट करती हैं और रोक देती हैं। परिणीति इशारा करती हैं कि चारों ओर कैमरा लगे हैं, उनकी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं और हुआ भी वही जिसका परिणीति चोपड़ा को डर था, ये सारी बातें कैमरा में कैप्चर हो गयी। राघव चड्ढा का ये वीडियो रिकॉर्ड हो गया और इसे खुद उनके कैमरामैन ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर शेयर कर दिया। जब ये वीडियो फैंस ने देखा तो हर कोई राघव चड्ढा की नाक की सर्जरी की बातें सुनकर चौंक गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल होने लगा। लोगों ने राघव चड्ढा की नो सर्जरी को लेकर तरह तरह की बातें बनाना भी शुरू कर दिया। आपको बता दें, परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की सगाई को 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन इसकी चर्चाएं आज भी हो रही हैं। पहले तो आए दिन सेरेमनी की तस्वीरों ने गदर काट रखा था, यानी राघव चड्ढा ने अपनी सगाई से पहले नो सर्जरी करवाई थी, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वेल, इस बारे में आपकी क्या राय है, आप भी हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें NBT एंटरटेनमेंट।